हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देख सकते हैं हमारी गुड़ की रोटी जो कच्छ और राजस्थान में बनती है। कितनी टेस्टी रेसिपी है कि आप तो आप और बच्चे सब खुश होने वाले हैं आपके घर में अगर ये रेसिपी आप बनाकर एक बार घर में खिलाएं, और बिल्कुल 5 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी हमारी कैसे बनी है। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। बस आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ की रोटी। तो देखिए कैसे बनाते हैं गाइस। ये हमारा गुड़ है जो कि 50 ग्राम होगा करीब, और ये हमारा पानी है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये गर्म पानी है क्योंकि हमें गुड़ को पिघलाना है। तो एक स्पून से लेकर के देखिए गाइस, हमने गुड़ को कूट लिया था पहले, खूब इसकी पिटाई लगाई है, तब ये नरम हो गया है गुड़। तो इससे क्या होगा, कम पानी में ये अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए कितना थोड़े से पानी में इसको घोल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, तो इसको हम घोल लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने हाफ कटोरी पानी लिया था, उससे भी हाफ डाला हुआ है। ये घुल कर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे, क्योंकि जो गुड़ में हमारी इम्प्योरिटी होगी वो सारी निकल जाएगी। तो चलिए छानते हैं। ये देखिए इस तरह से छन्नी लगा करके छान लेंगे एक स्ट्रेनर से। ये देखिए गाइस कितनी ज्यादा इम्प्योरिटी थी, ये सारी निकल जाएगी। इसको अलग हटा के रखेंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमारा आधा कटोरी तैयार जूस मिल गया है हमको। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, हम 2 स्पून के करीब घी ऐड करेंगे इसमें। तो ये मेल्टेड घी है, तो अपने हिसाब से, क्योंकि हमें घी से उसका क्रंच हो जाता है ना, तो ये हम 4 स्पून घी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए 4 स्पून घी हमने ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हम इसमें डालेंगे नारियल, थोड़ा अपना घिसा हुआ नारियल है गाइस। आप जैसे जहां ट्रेडिशनली बनता है जब ये, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर और सौंफ पड़ती है। हमने जो डाला है नारियल और ब्लैक पेपर डालेंगे। ये देखिए गाइस, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, क्योंकि इसको थोड़ा सा चरफरा स्वाद रहेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको मिलाते हुए और इसी जूस से हम इसको गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा डालते हुए, क्योंकि इसका डो पराठों की तरह हमें लगाना है इस तरह से। हमने सारा डाल दिया। देखिए ये देख सकते हैं गाइस, आटा नॉर्मली जो हम खाते हैं वही आटा है। तो ये देखिए इसका डो लग चुका है। ये देखिए इस तरह से हो गया। इसको मसल मसल के एक सार कर लेंगे। ये देखिए इन्हीं हाथों से गाइस हम तुरंत लोई बना लेंगे। नॉर्मल जैसे हम लोई बनाते हैं रोटी की, वैसे नहीं हमें बनानी है, हम थोड़ा सा बड़ी बड़ी रोटियों की लोई बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप इस तरह से, जैसे एक मीडियम साइज की बॉल छोटी सी होती है उसी हिसाब से। ठीक है गाइस, मीठे पराठों की हम रेसिपी दे चुके हैं, कई बार दिया है। ठीक है नॉर्मल, तो ये देखिए उतने डो से हमारी, ये देखिए इस तरह से हमें लोइयां बनानी है, सारी बना लेंगे। तो चलिए गाइस देख लीजिए, एक तरह से हम अपनी एक रोटी लेंगे। ठीक है, एक लोई। और देखिए गाइस, ये चिटकना तो स्वाभाविक है क्योंकि मीठा का गुड़ का है। ठीक है, ऊपर से हमने इसमें मोयन डाला हुआ इस वजह से, तो इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे गाइस। ये रोटी ज्यादातर कच्छ या राजस्थान में बनाई जाती है, वहां की ट्रेडिशनल रोटी है। ठीक है, तो इस तरह से सूखा आटा लगा लिया, और हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है इवन। ठीक है, ये थोड़ा सा चिटकेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको साइड में ऐसे ऐसे करते जाइए, बांधते जाइए, जिससे कि ये थोड़ा सा इवन रहे, हमें बेल के अच्छे से करना है। ठीक है, इस तरह से, ये बहुत पतली नहीं बेलेगी, जैसे एक आलू का पराठा आप बेलते हैं उसी हिसाब से बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से, ये देख सकते हैं गाइस, ये अच्छा नहीं लग रहा है हमको क्योंकि इवन नहीं है, ये फटा हुआ है। तो इस तरह से हमने कांच का एक बाउल ले लिया गाइस, हमारे पास कुकी कटर वगैरह नहीं है इस समय, तो इस तरह से रखेंगे और उसको हल्का सा दबा देंगे। ये बहुत सॉफ्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करती है, ये आराम से कट जाएगी। ये देखिए गाइस बिल्कुल कट कर निकल आई, और ये देखिए आप रोटी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और ये निकाल कर साइड में फिर से रख लीजिए, उसी में मिला लीजिए। ठीक है, तो ये रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है।
इस तरह से इसको इवन कर दीजिए थोड़ा सा। और चलिए, और गाइज जैसे कच्छ और राजस्थान में वगैरह में ऐसे बेलन से इम्प्रेशन दे दिए जाते हैं थोड़े थोड़े से, थोड़ा सा आटा लगा के देख लीजिए इस तरह से, इस तरह से तो देते हैं। ये देख सकते हैं गाइज हमने थोड़ा सा पतली बनाई है, वैसे तो ये थोड़ी सी मोटी बनती है, ठीक है। तो चलिए इसको रखते हैं अलग साइड में, फिर से बनाते हैं। तो गाइज देखिए पतली इसलिए बनाई है क्योंकि हमारी अच्छे से सीख जाए, ठीक है। तो हम सारी रोटियां ऐसे बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइज ये हमने बेल ली है, इसको हमने कट नहीं किया है, बट क्योंकि हमारी ये जो थी ये एकदम अच्छे से बन गई है तो इसको हमने कट नहीं किया है, इसको ऐसे ही रखा है। और अब ये देखिए इस पर भी हम बेलन से, ये देखिए कुछ हमारी हल्की सी मोटी थी तो इस पर अच्छे से बेलन के से इम्प्रेशन हम दे सकते हैं। ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइज कितनी अच्छे लग रहा है देखने में। तो चलिए इसी तरह से सारी सेकते हैं और इसको भी इसमें रख देते हैं। गाइज कच्छ में और राजस्थान में इतनी ही बड़ी लगभग रोटी बनती है, तो ये देख सकते हैं पहले कटी वाली रोटी वो छोटी थी, इसको हमने बिल्कुल हूबहू उसी तरह से बनाने की कोशिश करी है और ये हमारी बन भी गई है उसी तरह से जैसे वहां पर मिलती हैं। तो सारी बनाते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस एक छोटू सा बन बना है। एक बात और गाइस, इस जो बेलन से हम इम्प्रेशन देते हैं ये इसका इस वक्त गाइस दो कारण, मतलब दो कारण है। एक तो इसकी रोटी की सो बन जाती है, मतलब हमें दिखने में अच्छी लगने लगती है, डिजाइन बन जाती है। दूसरा गाइस ये है कि ये गुड़ की रोटी थोड़ी सी हमारी मोटी होती है, इतना पतला नहीं बेल सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं ऐसे इम्प्रेशन देते हैं, तो जहां जहां पर इम्प्रेशन हमने दिया हुआ है वहां वहां पर ये रोटी पतली हो जाती है तो वहां पर हीट अच्छे से लगती है। एक तरह से ये रोटी हमारी सारी पूरी तरह से इन छेदों की वजह से अच्छे से पक जाती है, इसी वजह से ये इम्प्रेशन दिए जाते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं गाइस सारी रोटियां बनकर एकदम रेडी हैं, तो चलिए सेकते हैं इनको। ये देख सकते हैं गाइस हमने एक अपना तावा ले लिया है, उस पर ये अपनी गुड़ की रोटी डाल देंगे, ठीक है। और इसको धीमी फ्लेम पर हमें पकाना है क्योंकि ये हमारे गाइस कुछ मोटी रोटी होती है तो ये अच्छे से पक जाए, इस वजह से हमको उसको धीमी फ्लेम पर पकाना होता है। ये देखिए गाइस खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है गुड़ की, पकी हुई गुड़ की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बबल्स भी आ गए हैं, तो इसका मतलब हमारी रोटी कुक हो चुकी है नीचे से, ठीक है। तो इसको आसानी से हम पलट देंगे, ये देखिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट, मतलब इतनी अच्छे से ये कुक हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा घी लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और हमें इसको तवे पे ही सेकना होता है, ज्यादा हम उस तरह से नहीं सेक सकते हैं। आप घी भी लगा सकते हैं, रिफाइंड भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, आप जो चीज लाइक करें उसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम ऐसे ही पकाएंगे, अब इसको उलट पलट कर बस हम सेकते रहेंगे जब तक ये हमारे अच्छे से क्रिस्पी सिक नहीं जाती, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से सेक लेंगे, ये देख सकते हैं गाइस अब इधर भी पलट लेंगे, इधर भी हो चुकी है रोटी। तो इसको हम अच्छे से इधर भी हम लगाते हुए और घी को अच्छे से सेक लेंगे इस तरह से। गाइस ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों के तो आप बता दो ना कि आप बच्चों को बनाकर ये दीजिए, बच्चे बिल्कुल नहीं छुप बोलेंगे क्योंकि इसमें कुछ तवे पर सिकने की वजह से थोड़ा सा फ्लेवर चॉकलेट का भी आने लगता है क्योंकि गुड़ होता है ना इस वजह से, तो इसकी वजह से इसको ऐसे उलटते पलटते हम अच्छे से सेक लेंगे। ये देख सकते हैं गाइस हमारी रोटी अच्छे से सिक चुकी है, तो क्या करेंगे हम इसको प्लेट पर निकालेंगे, बट इस तरह से जाली पर निकालें से मॉइस्ट हो जाती है तो वो नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से हम दूसरी रोटी डालेंगे, इसको भी ऐसे सेकेंगे। तो इसी तरह से सारी रोटियां हम सेक लेंगे, फिर मिलते हैं आके। ये देखिए गाइस बनकर एकदम रेडी है हमारी कितनी प्यारी रोटी और इतनी अच्छे से क्रिस्पी भी बहुत है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस हमारी गुड़ की रोटी बनकर रही तैयार है और गाइस क्रिस्पी तो इतनी है ये देख सकते हैं आप, और कितनी टेस्टी और इतनी यम्मी रोटी, बिल्कुल कच्ची नहीं है, बहुत अच्छे से सिकी हुई है। गाइस ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, आप दही के साथ आराम से खा सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ये देखिए तोड़कर भी दिखा रहे हैं, ये देखिए गाइस अंदर तक सिकी हुई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।